पिछले एक साल में रियान पराग ने एज अ क्रिकेटर खुद को कितना इंप्रूव कर लिया है, मतलब आप सोचिए ये रियान पराग पिछले एक साल के अंदर कितना ग्रो कर चुके हैं। मतलब एक टाइम था जब रियान पराग बैटिंग करने आते थे या जब फील्डिंग करते थे या जब सोशल मीडिया पे कोई बात कह देते थे तो कितने मीम्स बनते थे, कितने मीम्स बनते थे, कितनी ट्रोलिंग होती थी, कितना क्रिटिसिज्म आता था। हर दूसरा इंसान ये कहता था कि रियान पराग क्रिकेट को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है और शायद वो अपने करियर में ज्यादा आगे तक ना जा पाए। लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर आज वही लोग रियान पराग की तारीफ करते हैं, उनको लेकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये बात कहते हैं कि रियान पराग टीम इंडिया का फ्यूचर है। तो कभी आपने सोचा है कि रियान पराग के अंदर एक साल के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक जमाने में एक क्रिकेट शो में, यानी एक लाइव शो चल रहा था जहां पर हर्षा भोगले बैठे थे और उनके साथ एक एक्सपर्ट ने रियान पराग को लेकर एक बहुत बड़ा कॉमेंट किया था। वो इतना बड़ा कॉमेंट था कि वो इतना वायरल हुआ कि राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया। वो एक्सपर्ट कहते हैं कि यार राजस्थान का बड़ा सही, उनको क्या करना है कि उनको 5 बैट्समैन खिलाने हैं, 5 बोलर्स खिलाने हैं और एक तो रियान पराग। मतलब एक तरह से उन्होंने रियान पराग का मजाक उड़ाया कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स की टीम उन्हें इतना बैक करती है कि 5 बैट्समैन खिलाए, 5 बोलर्स खिलाए और एक रियान पराग का तो तय ही है खेलना, चाहे परफॉर्म करे या फिर ना करे। अब उन एक्सपर्ट का ये जो स्टेटमेंट था वो इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया। राजस्थान रॉयल्स ने एक प्रॉपर ऑफिशियल वीडियो बनाई और अपने सोशल मीडिया से शेयर की कि आप एक क्रिकेटर को लेकर इस तरह से बातें नहीं कर सकते, स्पेशली एक ऐसा क्रिकेटर जो अभी यंग है, अभी तो पूरा करियर पड़ा है उनके सामने। और वो स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ और उसमें एक कॉमन चीज ये थी कि उस एक्सपर्ट के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे हर्षा भोगले, वही हर्षा भोगले जिनका अब एक कॉमेंट वायरल हो रहा है जब उन्होंने कहा कि रियान पराग आने वाले समय में इंडिया के एक बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। इसके अलावा हर्षा भोगले कहते हैं कि पहले रियान पराग एम्बिशियस थे लेकिन अब रियान पराग में फोकस भी आ गया। और ये बात सब एग्री करेंगे क्योंकि रियान पराग अब एक साल के अंदर एकदम अलग रियान पराग बन गए। एक इमेज आपके दिमाग में होगी रियान पराग की, जब वो एक छोटा सा बच्चा आता था, जब कैच पकड़ता था तो बिहू डांस करने लगता था, मौज मस्ती में रहता था, हंसता खेलता रहता था, सोशल मीडिया पे खूब फन लविंग इंसान था। लेकिन जब इस साल हमने उन्हें आईपीएल में देखा तो एक अलग रियान पराग देखा। वो रियान पराग जब कैच पकड़ता था तो कोई रिएक्शन नहीं देता था, सीधा बॉल फेंका और आगे बढ़ गया। जब बैटिंग करता था तो एक अलग ही पोटेंशियल दिखता था, अलग ही एबिलिटी दिखती थी। जब बैटिंग करता था, जब फील्डिंग करता था, अलग ही फोकस दिखता था और सबको लगा कि यार ये तो कोई अलग ही रियान पराग है, इस रियान पराग को तुम जानते ही नहीं थे। और इस साल रियान पराग ने साबित करके दिखाया कि वो कितने इंप्रूव हो चुके हैं। रियान पराग विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के बाद टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाते। 16 मैचेस में 573 रन बनाए, 52 का एवरेज था और 150 का स्ट्राइक रेट था। 4 बार ऐसा हुआ जब रियान पराग ने 50 का स्कोर क्रॉस किया और शायद यही वजह थी कि रियान पराग को टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिला। जिम्बाब्वे सीरीज खेलने आए तो ज्यादा चल नहीं पाए, कुछ ही मैचेस में मौका मिला लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने उन्हें बैक किया। सूर्य कुमार यादव का वो स्टेटमेंट आज भी मुझे याद है कि रियान पराग में मुझे एक्सपेक्टर दिखता है, ये वो रियान पराग नहीं है जो आईपीएल पहले खेला करता था। जब मैं उससे एनसीए में मिला था मुझे तभी पता चल गया था कि ये बदला हुआ रियान पराग है और ये टीम इंडिया का फ्यूचर बनने वाला है। और कुछ ऐसा ही हमने T20 सीरीज में भी देखा, क्योंकि पहले T20 में जब रियान पराग खेलने आते हैं तो 6 बॉल पे 7 रन बनाते हैं, उसके बाद जब बॉलिंग करने आते हैं, मतलब किसने सोचा था कि रियान पराग जो राजस्थान के लिए भी रेगुलर बॉलिंग नहीं करते वो इंडिया के लिए करेंगे। लेकिन क्या कमाल की बॉलिंग की, अपने पहले ही मैच में 5 रन दिए और 3 विकेट चटका दिए, मतलब श्रीलंका सीरीज के पहले मैच में। दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी की तो 4 ओवर में 30 रन दिए बिना कोई विकेट लिए, और जब तीसरे T20 में बॉलिंग आई तो 18 बॉल पे पहले 26 रन बनाए और फिर 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए, यानी इकोनॉमिकल भी थे, विकेट्स भी चटका रहे थे और रन भी बना रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई रियान पराग तो अब टीम इंडिया के परमानेंट प्लेयर बन चुके हैं, एक ऑलराउंडर बन चुके हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल। अब आप सोचिए कि उस सीरीज में इंडिया के जो रेगुलर स्पिनर्स थे, रवि बिश्नोई की बॉल 1 डिग्री टर्न कर रही थी, अक्षर की 2 डिग्री टर्न कर रही थी, पर रियान पराग की बॉल लगभग 4 डिग्री टर्न कर रही थी। कई मीम्स बने कि रियान पराग इंडिया के शेन वॉन बन चुके हैं, मुथैया मुरलीधरन बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस रियान पराग को लेकर मीम्स बना करते थे, ट्रोल्स बना करते थे, आज वही रियान पराग को सब प्रेस कर रहे थे। उसके बाद जब ओडीआई सीरीज में डेब्यू किया, जब अपना पहला मैच खेला तो 54 रन देके पहले 3 विकेट चटकाए और फिर 13 बॉल में 15 रन बनाए। मतलब गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने तो साबित कर दिया कि भाई रियान पराग में वो पोटेंशियल है कि वो इंडिया के एक बहुत बड़े मैच विनर बन सकते हैं। और इसीलिए जब मैंने आज हर्षा भोगले का कमेंट देखा कि रियान पराग पहले एम्बिशियस थे लेकिन अब फोकस भी बन चुके हैं, और फिर मुझे वो वाला स्टेटमेंट याद आया जब हर्षा भोगले एक लाइव शो में बैठे थे और उन्हीं के साथ एक एक्सपर्ट बैठे थे जो कहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स का बड़ा सही है कि 5 बैट्समैन खिलाए, 5 बोलर्स खिलाए और एक रियान पराग को खिलाए। आप बताइए रियान पराग उस टाइम का और रियान पराग आज का, जो रियान पराग पहले राजस्थान और असम के लिए खेला करता था और रियान पराग जो आज इंडियन टीम के लिए खेल रहा है, आपको कितना फर्क लगा? क्या आपको लगता है कि हर्षा भोगले की बात में दम है और रियान पराग टीम इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार बन सकते हैं? आप बताइए आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।